अध्याय 3 गुणाभाग। तो आज हम भाग के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ दो विधियाँ दी हुई है, एक साधारण विधि है, एक मानक विधि है। हमारे चलन में वो है, लेकिन इसको भी समझ लेते हैं। मानक विधि से भाग, ये आपको 432 में 12 का भाग देना है। तो हम यहाँ देखते हैं, पहले दो हमने तैयारी से, ये जो 432 है वो भाज्य, इन्हें इसमें भाग लिया जा रहा है। 12 का भाग दे रहे हैं तो ये भाज्य कहलाएगा, जिसमें भाग दिया जाता है भाज्य, जिसका भाग दिया जा रहा है वो भाजक है। भाग देने के उपरांत जो राशि आती है वो भाग कुल कहलाती है, और उसमें अगर कुछ बच जाता है तो वो शेष कुल कहलाता है। वह हमने क्लियर कर रखा है। वैसे आइए मानक विधि से हम भाग सीखते हैं, भाग देखे देखते हैं। यहाँ 432 लिखा हुआ, उसमें हमें लेना है 12 का भाग। अब यहाँ दो अंक, इस दो अंकों में इसमें दो अंकों का भाग, इस वाले में देख के देखते हैं। हमारे पास यहाँ 43 है, 12 का भाग हमारे पास 43 में कितनी बार जा सकता है? 12 एकम 12, 12 दो 24, 12 तीन 36, 48 ज़्यादा हो जाएंगे, 3 बार ही जाएगा, 12 तीन 36। अब यहाँ मानक विधि के अंदर है, इसलिए हम तीन आया तो तीन दाए, इसका मतलब 30 से गुणा करेंगे हम, ये हमने 30 लिख दिए। भारतीय 36, तीन दाए 30 हो गए, 30 से गुणा, यानी 12 को 30 से गुणा किया तो 360 प्राप्त है। अब 432 में से हमने 360 घटाए, हमारे पास 72 बच गए। फिर 12 का भाग हमने 72 में लिया, तो 6 बार गया, बातचीत की 72, 72 में से 72 घटाया हमने तो शेष पर 0 रहा, तो ये 6 हमने यहाँ लिख दिए। तो इस प्रकार ये 30 प्लस 6 बराबर 36, तो ये भागफल हो गया आपके पास। यह भाज्य आपके पास में 432 है, जिसका भाग दिया जा रहा है वो भाजक 12 है, भागफल हमारे पास 36 प्राप्त हुआ, और शेष पर हमारे पास यहाँ पे 0 है। इसी सवालों को हम साधारण विधि से करते हैं, जो हमारे प्रचलन में व्यवहार में वो इस तरह से हम हल करते हैं। ये आपके पास भाज्य है 432, भाज्य के आपके पास 12। अब हम 432 के अंदर 12 का भाग देते हैं, तो पहले दो अंक देखते हैं। 43 में 12 का भाग देते हैं तो 3 बार जा रहा है, 12 तीन 36, तो ये 3 हमने यहाँ लिख दिया, 12 तीन 36, ये खाली स्थान छोड़ दिया हमने। अब यहाँ देखते हैं कि इस लिखने का जो तरीका वो इस तरह से होना चाहिए, इधर से 36 को 43 में से घटाएंगे तो हमारे पास 7 बचेगा, यानी इस 3 में से 6 नहीं जा सकता, इसलिए हमने एक उधार लिया इधर, तो 13 में से 6 गए तो 7, यहाँ आपके पास 3 रह गए, 3 में से 3 गए तो 0। तो यहाँ कहने का मतलब 43 में से 36 हमने कम किए तो 7 घटा दिए तो 7 रह गए, ये दो ऐसे कैसे उतार लिया, तो यहाँ पे आपके पास रह गए 72। अब 12 का भाग हमने 72 में दिया तो 12 छक्की 72, ये 6 यहाँ लिख दिए और ये 72 यहाँ पे लिख दिए, 72 में से 72 ये माइनस लगा दिया, 72 में से 72 गया तो 0। इस तरह से ये भाजक शेष पर 0 और हमारे पास जो भाग पर आया वो 36। तो ये विधि हम काम में लेते हैं, इस तरह से भाग देते हैं।